सो हेलो सोल कटर्स, कैसे आप सभी लोग। तो गाइस आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, बिकॉज मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है और आपको भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस ये है माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल सीरीज पार्ट नंबर सेकेंड। तो गाइस मैं इधर मर गया था और मैंने थोड़ी ऑफलाइन प्रोग्रेस की है, तो मैंने थोड़ा सा बस आउटलाइन बना लिया है मेरे घर का और कुछ ज़्यादा नहीं मैंने चेंजेस किया है। और इस वीडियो का बस मेरा एक ही मोटिव है कि मुझे एक घर बनाना है प्यारा सा, जिसमें मैं रह सकूँ और हमारी माइनक्राफ्ट की दुनिया इधर से बढ़ सके। तो आप एंजॉय करिए टाइम लैप्स को। सो सबसे पहले मैंने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली मेरे घर की, उसके बाद थोड़े स्टेयर्स और ओक प्लैंक बना लिए, ओक या ब्रिज प्लैंक बना लिए। तो ब्रिज प्लैंक मेरे घर के बाजू में सब तरफ लगा दिए और उसके बाद घर के ऊपर मैंने स्टेयर्स लगा ली ताकि वो अच्छे से लगे रहे। और खिड़की के ऊपर भी मैंने स्टेयर लगा ली तो वो और भी लुकिंग अच्छा लग रहा था। फ्लोर को मैंने ओक प्लैंक से कर दिया ताकि वो बहुत अच्छा लगे और एकदम अच्छा लग रहा था। सो गाइज अभी मैंने पूरा घर बना लिया है, बस इसको अभी टॉर्च से लाइट अप करने का बचा है, तो वो हम कर लेते हैं। सो ओके मैं इधर टॉर्च लगाता हूँ, पहले इस कॉर्नर में, बाद में इस वाले कॉर्नर में भी लगा लेता हूँ और इधर भी एक लगाता हूँ और इस साइड भी एक लगा ही देता हूँ। पता नहीं इधर मॉब स्पॉन हो जाएंगे। तो लेट्स गो गाइस, हमारा घर भाई बाहर से कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जो कि भाई बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। तो चलो इसके भाई प्रोटेक्शन के लिए दरवाजे भी लगा लेते हैं। तो फाइनली हमारा पहला और दूसरा दरवाज़ा लग चुका है और अब ये घर बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा बाहर से अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे मैं अंदर से दरवाज़ा लगा लेता हूँ ताकि गाइस ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। और यस गाइस अभी ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो इसके ऊपर मैं इधर स्टेयर लगा लेता हूँ ताकि वो सीलिंग के जैसे लगे। और इसके ऊपर ब्रिज प्लैंक लगाओ या ओक प्लैंक लगाओ, चलो ओक प्लैंक लगाते हैं ताकि थोड़ा सिमिलर लगे। और यस गाइस ये बहुत अच्छा लग रहा है। और अब क्या करें भाई, थोड़ा कुछ तो अलग लग रहा है शायद इसमें। ओ हाँ देखो ये खिड़कियाँ। सो गाइस मैंने खिड़कियों को फिक्स कर दिया है और अब हम इधर चेस्ट लगा रहे ताकि मैं मेरा सामान इसमें रख पाऊँ और मैं मरूँ तो मेरा सामान जाना। तो फटाफट से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और ये सारा मैंने इन्वेंट्री मेरी खाली कर दी है और अभी कुछ बचा नहीं है, नहीं तो मैं ले लेता। और गाइस ये मैं थोड़ी फ्लोर की क्लीनिंग कर रहा हूँ और इसमें थोड़े सैंड लगा रहा हूँ ताकि ये सिमिलर लगे। और गाइस मुझे थोड़ी इधर प्रेशर प्लेट भी लगानी ताकि ये दरवाजा ऑटोमेटिक क्लोज और ऑन हो जाए। ऑन तो ये नहीं होगा लेकिन क्लोज तो हो जाएगा। चलो इधर मैं ये लगा लेता हूँ ताकि यस गाइस ये देख ही सकते हो ये अभी ऑटोमेटिक खुलेगा। तो भाई क्या तगड़ा लग रहा है। एक मिनट भाई, ये क्राफ्टिंग टेबल हमारा शो खराब कर रहा है। तो गाइस देखो भाई कितना प्यारा घर लग रहा है भाई हमारा, भाई एक नंबर काम। सो मुझे थोड़े कोबलस्टोन चाहिए ताकि मैं फर्नेस बना पाऊँ और फर्नेस से मैं आयरन ओर को स्मेल्ट करके आयरन निकाल लूँ, क्योंकि गाइस हमें आयरन से बनाना है आयरन का आर्मर, क्योंकि हमारे वीडियो का एक और गोल होने वाला है जो कि फुल आर्मर सेट। सो गाइस मैंने इधर गलती से गाइस देखो भाई क्या डाल दिया भाई, चलो कोई बात नहीं। तो इस आयरन इंगेट से भाई मैं चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ, क्योंकि गाइस चेस्ट प्लेट से भाई ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है अदर से। तो फटाफट मैंने पैंट भी बना लिया क्योंकि दोनों क्राफ्ट हो रहे थे। और बूम गाइस मैंने इधर गाइस मैंने हेलमेट भी बना लिया और इधर मुझे लेगिंग्स की लेगिंग्स तो बन चुकी है भाई, मुझे इधर फुट के लिए चाहिए दो आयरन। तो फटाफट से वो भी कलेक्ट करते हैं और बनाते हैं हमारा फुल आयरन सेट। और देवी गो गाइस हमने हमारा आयरन का फुल सेट बना लिया है। और गाइस देखो गाइस क्या प्यारा लग रहा हो इस घर के साथ में। सो गाइस देख ही सकते हो भाई कितना प्यारा लग रहा है भाई घर। ओ भाई ओ भाई ओ भाई किसने मारा भाई, किसने तो भाई मारा यार जोर। तो कोई बात नहीं गाइस। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट में जरूर बताना। और गाइस ऐसे न्यू वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को।